चलिए प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट पढ़ा है, ए इज इंटरनल ऑडिट, फिर बी में हम लोगों ने पढ़ा है मैनेजमेंट ऑडिट एंड सी इज ऑपरेशनल ऑडिट। सो सेम सीक्वेंस कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला इंटरनल ऑडिट के क्वेश्चंस, फिर मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशंस। इंटरनल ऑडिट, या सो पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर आनंद इज अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जेरोक्स लिमिटेड। जेरोक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स गिवन अंडर कंपनीज एक्ट एंड अपॉइंटेड मिस्टर भानु एज इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर मिस्टर आनंद आज द इंटरनल ऑडिटर, सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटर मिस्टर आनंद आज द इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द रिस्क असेसमेंट एंड स्टफ। सो कैन ही गिव द डायरेक्ट असिस्टेंस एंड ऑल्सो आंसर विथ द रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सुपर इजी। यहाँ SA 610 में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कंसेप्ट पढ़ करके रखा कि इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट गिव डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर सम स्पेसिफिक एरियाज, तो वो वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एंड हियर वी विल से कि ऑब्वियसली जहाँ पे जजमेंट लगता है, जहाँ पे एस्टिमेशंस है, जहाँ पे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसीजंस लेना है, कोई डायरेक्ट कंक्लूजन बनाना है, हम लोग इंटरनल ऑडिटर का काम एज डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट, DLF लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डज नॉट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट मेड बाय ऑपरेशन ऑडिटर। सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव वे टू टैकल द हॉस्टाइल मैनेजमेंट। ये वाला क्वेश्चन ना RTP का क्वेश्चन है, तो दो कंसेप्ट मिक्स हो गए। ये तो इंटरनल ऑर्डर का है ही, ये हॉस्टाइल मैनेजमेंट का जो अप्रोच है उसको कैसे टैकल करें। तो फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज नथिंग बट सोल्यूशंस टू बिहेवियरल प्रॉब्लम। आंसर इज CRP, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पार्टिसिपेटिव अप्रोच एंड रिपोर्टिंग मेथड। पार्टिसिपेटिव अप्रोच, रिकमेंडेशन, सजेशन, हम लोगों को म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखना है। ऐसा नहीं उनको, मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है उनको ये फीलिंग नहीं देनी है कि यार वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फॉल्ट। इनिशिएटिव लेने दीजिए, इम्प्लीमेंट द चेंजेस। CRP लिखना है, कोऑपरेशन के साथ काम करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज एन इंटरनल ऑडिटर फॉर अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यू आर आस्क्ड टू वेरीफाई वेदर देर आर एडिक्वेट रिकॉर्ड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यू ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी मशीनरी टूल्स डाइस वेदर एनी आइटम्स हैव बिकम ऑब्सोलेट विच आर नॉट इन यूज ड्राफ्ट अ सूटेबल ऑडिट प्रोग्राम फॉर दी अबव। इंटरनल ऑडिट के लिए आपको एक प्रोग्राम ड्राफ्ट करने बोला। दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन गाइज। आप जो भी काम करो, वेन एवर यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू ड्राफ्ट एन ऑडिट प्रोग्राम, तो आपको जो काम दिया है उसके लगता प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि हम लोग फिक्स्ड एसेट रजिस्टर वेरीफाई करेंगे, हम लोग फिजिकल वेरीफिकेशन करेंगे, हम लोग रिकन्सिलिएशन करेंगे, कोई एडिशन हुआ है, कोई डिस्कार्ड हुआ है असेट, उसको मद्देनजर रखते हुए चेकिंग करेंगे। एनी असेट्स विच आर टेकन ऑन हायर, एनी असेट्स विच आर जॉइंटली ओन्ड असेट, एनी असेट्स विच आर टेकन ऑन लीज, तो ये सारा चीज़ के बारे में ध्यान देंगे। सो मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर्ड है कि नहीं है फॉर हायर्ड असेट, लीज्ड असेट, जॉइंटली ओन असेट। फिजिकल इंस्पेक्शन कर लीजिए फिक्स्ड असेट का, लेजर्स के साथ रिकन्सिलेशन कर लीजिए। मूवमेंट ऑफ असेट, व्हाट इज मूवमेंट ऑफ असेट? एनीथिंग विच इज परचेज, एनीथिंग विच इज सोल्ड, दैट इज मूवमेंट ऑफ असेट। डिक्लेयरिंग द सेपरेट, एक सेपरेट डिक्लेरेशन होना चाहिए फॉर द असेट विच आर स्क्रैप्ड। सेलिंग ऑफ असेट, ऑथोराइजेशन लिया कि नहीं, सी ऑथोराइजेशन वेदर दे आर ऑब्टेंड और नॉट। Any additions, proper recording of all the additions, disposals, कोई new asset लिया है तो return authority है कि नहीं है। Vouch the vouchers, हमारे नाम पर लिया है कि नहीं। Adequate security है कि नहीं। Periodic interval में inspection हो रहा है कि नहीं। So this is how you can draft the internal audit program for verifying property, plants and machineries. Next. Munch Limited is a public company having paid up share capital of 40 lakhs and borrowings
ओके पेड अप शेयर कैपिटल इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रेज टू 60 लैक्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. ओके द कंपनी हैड अ टर्नओवर फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 3 ईयर्स इट्स 49, 145 एंड 150 क्रॉर्स. कंपनी हैज बोरोड अ फंड फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्थ 110 क्रॉर्स बट दे स्क्वेयर्ड अप दिस लोन टू 90 क्रॉर्स. मतलब 20 करोड़ वापस दे दिया तो अभी एट द एंड 90 क्रॉर्स बचा हुआ. द कंपनी डू नॉट हैव एनी इंटरनल ऑडिट सिस्टम. द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट हमारे को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. सो प्लीज टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी सेक्शन नंबर 138. दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी सॉरी अनलिस्टेड कंपनी. सो दीपिका पादुकोण बंसाली टीम राइट. डिपॉजिट के बारे में कुछ दिया है नहीं दिया है. पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए था 100, इनके पास कितना है 60 विद इन द लिमिट है कोई दिक्कत नहीं. बोरविंग सॉरी सॉरी ये होना चाहिए था 50, यहाँ पे है 60. दिस इज 100 एंड दिस इज 200. या सो कंपनी इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 40 इन द प्रीवियस ईयर. ये 40 था ये 110 था बट उन्होंने साल भर में इसको स्क्वेयर ऑफ करके ईयर एंड पे ये 90 है. तो मुझे बताओ इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है या नहीं करना है. विल वी चेक द लिमिट ऑफ 110 और ईयर एंड बैलेंस 90. यस वी विल चेक 110 क्योंकि हम लोगों ने वहां पे लिख करके रखा था ना एट एनी पॉइंट ऑफ ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत होगी बिकॉज यू आर एक्सीडिंग द लिमिट. हंड्रेड एंड ठीक है स्क्वेयर ऑफ जो किया है हम लोग ईयर एंड नहीं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चेक करेंगे. एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर. ये MTP क्वेश्चन है मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टू मेंटेन द एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग होना चाहिए. नॉट टू हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन. ओवरऑल ऑब्जर्व करना द फैक्ट एंड द सिचुएशन. To associate closely with the management and his knowledge must be kept एकदम ही up to date for all the important occurrence of events. कोई भी events हुआ है in the business. So this is the responsibility. This is the highly expected exam question, super important exam question. Internal auditor makes an appraisal of organization structure to ensure that there is harmony with the objective of entity. What is harmony? Jo entity chahta hai waisa hi kaam ho raha hai. Besides that checking the financial operations etc. Elaborate. Very important point. Kya elaborate karenge aap? Yes. Students, scope of internal audit mein इंटरनल रिटेल क्वेश्चन आएगा ऐसे मैंने आपको कहा था. एंड दिस इज नथिंग बट द रिटेल क्वेश्चन ऑफ द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट. और वो रिटेल क्वेश्चन भी क्या है वो रिटेल क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार का है जहाँ पे हम लोगों ने इंटरनल ऑडिट के स्कोप ऑफ वर्क में ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि रिसोर्सेस कैसे यूटिलाइज हो रहा है. यहाँ पे सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यहाँ का इलेबोरेशन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है सो कौन से पॉइंट पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. जो सारा सारा काम हो रहा है वो हार्मनी में हो रहा है कि नहीं. कौन अथॉरिटी है कौन किसको डेलीगेशंस कर रहा है कौन किसको काम कमांड कर रहा है रिपोर्टिंग किसको हो रहा है ये सारा चीज़. ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है. सो दैट वॉज अ रिटेल क्वेश्चन सुपर सुपर इम्पोर्टेंट. मॉड्यूल में जाकर के भी पढ़ लिया था हम लोगों ने ये. यूटिलाइजेशन आई टोल्ड यू दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन रिटेल. ठीक है तो उन्होंने क्या दिया पता है दे हैव गिवन यू दिस पॉइंट. बोलता है इंटरनल ऑडिटर शुड कंडक्ट द अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सब कुछ जो चल रहा है वो हार्मनी में चल रहा है कि नहीं. एक्सप्लेन तो फॉर दिस पर्पज आपको ये एक्सप्लेन करना था.
अब आपको डेप्थ समझा है दैट हाउ द क्वेश्चंस इन ऑडिट पेपर आर आस्क्ड, ठीक है? या सो दिस वाज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन दैट द एक्सटर्नल ऑडिटर नीड टू इवैल्यूएट. इंटरनल ऑडिट फंक्शन के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा. यू विल हैव टू इवैल्यूएट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सच एज ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस क्या है, जो भी काम हो रहा है विद इन द फंक्शन है, स्कोप ऑफ द फंक्शन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल ड्यू एंड केयर. दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ एस ए 610. वाई एस ए 610? बिकॉज एज पर एस ए 610, यू बींग स्टैचुटरी ऑडिटर विल बी इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. आपको प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस, टेक्निकल नॉलेज, ये सब चेक करना है. नेक्स्ट, प्लीज गाइड अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, whether he should be appointed or not. This is same as 138. Next, direct assistance wala question, 610 already done. Can we take direct assistance? So hum log bolte hain ki no, we cannot take direct assistance of internal auditor. Why? In the following areas, jahan pe judgment bahut zyada lag raha hai, jahan pe risk of material misstatement hai, you have to evaluate the sufficiency of test performed. जहाँ पे मैनेजमेंट के गोइंग कंसर्न अजम्पशंस को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स एक्सेट्रा. सो इन सारे एरियाज में कोई एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकता. या सम मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं. एक्स वाई लिमिटेड हैव 5 एंटरटेनमेंट सेंटर टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पब्लिक, especially for childrens and youngsters at 5 different location in the peripheral of 200 kilometers. Matlab it is as good as theme park, aisa maan lo. And the collections are made in cash. Ticket jo hai wo cash mein liya ja raha hai aur aapko jo bhi theme park hai uski rides wagaire enjoy karne mil rahi hai. Theek hai, youngsters ke liye. So now you want to check the adequacy of internal control system. Ek minute. जब भी कैश के बारे में आपको कोई चेकिंग करनी है तो व्हाट आर द वेरी इजी पॉइंटर्स. टिकट बेच रहे हम लोग तो चेक अप द प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स, द रेट ऑफ द टिकट्स, कलेक्शन ऑफ द कैश, डेली रिकंसिलिएशन ऑफ कैश, डिपॉजिशन ऑफ द कैश इन बैंक, यही सारा चीज चेक करेंगे बस. सो कंट्रोल ओवर सेलिंग एंड कलेक्शन ऑफ टिकट्स यही चाहिए हम लोगों को. तो कितनी टिकट्स प्रिंट हुई थी ये चेक करना, टिकट का सेल कितना हुआ, कोई फ्री में टिकट्स बेची है क्या, फ्री पासेस बेचे है क्या, डेली कैश रिकंसिलेशन, डेली बैंकिंग, एंट्रेंस में टिकट चेक हो रही है क्या, एडवांस बुकिंग, फ्री पासेस, सरप्राइज विजिट कर लीजिए. व्हाट इज सरप्राइज विजिट? क्योंकि कैश एक ऐसा एलिमेंट है जो आप रैंडमली सरप्राइज टेस्ट करेंगे ना तो ही पता चलेगा. आज कैशियर के पास जाओ और सर को बोलो कि सर आपने तो बोला था कि 15,000 रुपये का कैश होना चाहिए, आपके हाथ में खाली 10,000 क्यों है, 5,000 किधर? That is surprise testing. Next, explain the differences between the management audit, differences to the management, internal audit, operation audit, management operation, financial operation. ये totally अपने किताब से लिया हुआ concept. ये same चीज आज आपको इसको सिर्फ JR करना है, just read बच्चों. मैनेजमेंट ऑडिट ऑपरेशन ऑडिट क्यों अलग है, क्यों सेम है? फाइनेंशियल ऑडिट ऑपरेशन ऑडिट सुपर इजी कंसेप्ट. या नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द मटेरियल कंजम्पशन? दिस आल्सो इज फ्रॉम द बुक डायरेक्टली. आपको एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर को कंपेयर करना है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करनी है, मटेरियल मिक्स को चेक करना है, शेड्यूलिंग, मशीन यूज, मटेरियल मिक्स, रिकंसिलिएशन करना है, बजट, स्टैंडर्ड, MIS रिपोर्ट, सम की मटेरियल शुड बी पिक्ड एंड इवैल्यूएटेड. ये सब आप करेंगे इन ऑर्डर टू चेक रॉ मटेरियल कंजम्पशन में एफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी. नेक्स्ट, या
दिस इज अ सुपर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपके मिसलेनियस टॉपिक्स खत्म होते हैं. अब जो क्वेश्चन है ना, दैट इज नॉट फ्रॉम एनी एरिया, दिस इज बेस्ड ऑन 2 to 3 कंसेप्ट टुगेदर. ठीक है, सुपर इम्पॉर्टेंट, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको कहा था आरटीपी का क्वेश्चन है, आ गया. मेसर्स राका एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव बीन अप्रोच्ड बाय अभिनंदन लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. द कंपनी हैज बीन फेसिंग द फॉलोइंग ऑपरेशनल इशू. बोलता है ऑपरेशनल इशू है. मैंने कहा क्या? बोलते पीनल इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट टू ओवरसीज वेंडर. मतलब कंपनी का कोई वेंडर होगा सात समुंदर पार, ओवरसीज वेंडर, इनफ कैश था हाथ में बट फिर भी पेमेंट टाइमली बेसिस पे किया नहीं तो इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है. दूसरा, डिस्पाइट ऑफ रेगुलर प्रोडक्शन, खूब सारा प्रोडक्शन है, इनफ इन्वेंट्री है बट शिपिंग ना टाइम पे नहीं हो रहा. मतलब किताबें स्टॉक में है बट डिस्पैच नहीं हो रही है, एंड हेंस दैट इज लीडिंग टू डिटीरियोरेट वेंडर रेटिंग. सो द एज अ पार्टनर ऑफ मेसर्स राका एंड कंपनी, थ्रू द डिटेल्ड डिस्कशन विद द सीनियर मैनेजर ऑफ अभिनंदन लिमिटेड, यू हैव टू कंक्लूड ऑल दीज डिलेज आर बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्रॉन डिसीजन मेकिंग. बोलता है कि दिस इज द, ये जो डिले हो रहा है ना, उसका कारण है लॉन्ग ड्रॉन डिसीजन. एक मैनेजमेंट दूसरे से पूछता है, दूसरा तीसरे से पूछ रहा है, तीसरा चौथे से पूछ रहा है, एंड द थिंग्स गोज राउंड एंड राउंड. अरे मैंने तो उसको बोला था, अरे उसने मेरे को वो बोला था, उसने ऐसा करके वैसा किया था. हेंस अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि देखो ऐसी दुविधाएं हैं, आप सजेस्ट करें मैनेजमेंट ऑडिट करना है या ऑपरेशनल ऑडिट. एज अ कंसल्टेंट व्हाट विल यू रेकमेंड, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट? You will recommend management audit. Why is that so? Management audit is needed because हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे long run decision making is covered under management audit. ये देखो management audit का aspect है कि to evaluate the decisions and stuff. ठीक है, so यहाँ पे you will recommend management. दूसरा भी सेम क्वेश्चन है कि ये आरटीपी में आया, फिर एमटीपी में आया, अब तक क्वेश्चन पेपर में नहीं आया है. मनीधारी लिमिटेड हैज़ कम अक्रॉस मेनी इंस्टेंसेस वेयर इट कुड बाय प्रोडक्ट एट लेसर कॉस्ट देन द एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्राइस इट पेड. द मैनेजमेंट बिलीव दैट एडिक्वेट परचेज पॉलिसी इज इन प्लेस. मैनेजमेंट को लग रहा है कि एडिक्वेट परचेज पॉलिसी है इन प्लेस, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 कोटेशन. 3 वेंडर से हम लोग भाव मंगवाते हैं, फिर बार्गेन करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग. एंड ये जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड. फर्दर इट हैज़ ऑब्जर्व दैट देयर माइट बी सम एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन चूजिंग द हाइएस्ट कॉस्ट वेंडर. क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं हमने तो ऐसी पॉलिसी बनाई थी, मैंने परचेज मैनेजर को बोला था कि सर आप 3-4 वेंडर्स से कोटेशन मंगवाएं, जो सबसे सस्ता हो, बेस्ट क्वालिटी हो, उसको ऑप्ट करें. बट ये जो पर्सन है ना, उसने क्या किया, उसने अपना कमीशन खाने के लिए जो हाईएस्ट कॉस्ट वेंडर था ना, उसको अपॉइंट कर दिया. तो ये उन लोगों को दिक्कत लग रही. अब कंपनी आपके पास आई है कि यार ऐसी सिचुएशन है, आप ही बताओ करें तो क्या करें. द कंपनी अप्रोचेस यू कि कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट करें, मैनेजमेंट ऑडिट या ऑपरेशनल ऑडिट. प्लीज एडवाइज थ्रू अ कंपैरिजन बिटवीन बोथ. तो पहले तो कंपैरिजन लिखेंगे और इस केस में मुझे बताओ मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे या ऑपरेशन ऑडिट. ऊपर वाले में मैनेजमेंट ऑडिट और नीचे वाले में, नीचे वाले का आंसर क्या आएगा? दिस इज द आंसर कि सिंस द डिसीजन मेकिंग इज नॉट द बॉटलनेक, ऑपरेशंस आर क्रिएटिंग द बॉटलनेक. यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि पॉलिसीज इज ऑलरेडी इन प्लेस. क्या बोला? पॉलिसीज ऑलरेडी इन प्लेस बट इसका इम्प्लीमेंटेशन इज द दिक्कत. ठीक है, तो सिंस इट इज नॉट द मैनेजमेंट डिसीजन विच इज क्रिएटिंग अ ऑपरेशनल बॉटलनेक, थस द परचेज पॉलिसी, द प्रोसीजर सीम्स टू बी इन प्लेस, द मिसिंग पार्ट इज ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन, एंड हेंस ऑपरेशन ऑडिट विल बी रिकमेंडेड. ठीक है, सो यहां पे लिखो ऑपरेशन ऑडिट और यहां पे लिखो मैनेजमेंट ऑडिट.
ऑपरेशन ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, इजी, एंड दिस इज द डिफरेंसिएशन, जो दोनों ही आंसर में आपको कॉमन लिखना है. नेक्स्ट, एनालाइज स्टेटिंग क्लियरली द डिफरेंसिएशन बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन ऑडिट, ये अगेन वो डिफरेंसिएशन लिखना है आपको. दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. हाँ, ये है आंसर, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट का पर्पस अलग है, एरिया अलग है, रिपोर्टिंग एंड एंड टास्क. ठीक है, अच्छा, अब मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशन ऑडिट के क्वेश्चन कर लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग रिकमेंडेड, मैनेजमेंट ऑडिट ये हो चुका अपना. नेक्स्ट, हाँ ये वाला पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑडिट हैज़ टू अनालाइज द नेचर इन द कॉजेस ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम इन द डिस्चार्ज ऑफ द रिव्यू ऑफ द फंक्शंस एंड टू अराइव एट पॉसिबल सोल्यूशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम. एज मैनेजमेंट ऑडिटर ऑफ रियल लिमिटेड, हाउ विल यू डेमॉन्स्ट्रेट इन अराइविंग एट द सोल्यूशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम? सीआरपी. Constructive criticism, reporting and participative approach. Next, employees of MIG Limited have to travel frequently for a business purpose. So the company has entered into the contract with Chinmay Travelers Limited for managing bookings, cancellation and other services. As per contract terms, Chinmay Travels raise monthly bills for the tickets or ticket books are cancelled, the period and the same was paid by the MIG within 15 days. The bills raised by Chinmay Travel were of huge amount. So the management of MIG Limited decided to get the audit conducted of the process for booking, cancellation, verify the accuracy, ki kitna booking hua, kitna cancellation hua. What type of audit the management should opt for? Also discuss the qualities that the auditor should possess. बताओ यहाँ पे कौन सा audit suggest करेंगे? क्या यहाँ पे इंसानों की गलती है, operations की गलती लग रही है? So here operational audit will be required. Why? Because operations में हम लोग देखते E3, efficiency, economy and effectiveness. यहाँ पे बिकॉज खर्चा ज़्यादा जा रहा है, वी विल ऑप्ट फॉर ऑपरेशन ऑडिट. एंड वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ ऑपरेशन ऑडिट? नॉलेज बियॉन्ड फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ही शुड ऑलवेज आस्क वाई वैन हाउ, ही शुड बी इंक्विजिटिव, ही शुड सी एवरी थिंग दैट इट प्रॉपरली फिट्स इन टू द फ्रेम ऑफ द बिजनेस. स्केप्टिसिज्म रखना, ही शुड नॉट ईजिली गिव अप, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखना. Next, write a short note on summary report. These are also known as flash report. Important areas यहाँ पर cover होते हैं. These are the summary report. जिनके पास ज़्यादा समय नहीं होता वो ये summary reports देख करके conclusion draw कर सकते हैं. Next, operation audit के ऊपर question. Explain few positive traits that will help the operation auditor to conduct the operation audit. What are the positive traits? He should be friendly in nature, firm tone but friendly tone. He should easily mix up with the management team. He should not give up. Traits ka matlab kya hai? Qualities or characteristics dekhenge. Next. Mr. P has been appointed as operation auditor of Messrs. Books and Magazine Limited and observed the totaling error in invoices worth rupees 1000. बोलता है कि totaling error हुआ है एक हजार रुपए का कोई तो invoice में. He did not take care of the same, saying कि अरे मैं तो operation auditor हूँ, financial aspect थोड़ी मैं देखता हूँ, हजार रुपए की गलती है तो है. बोलते this is outside my scope. जरा बताइए, अरे जनाब ये आपके स्कोप में आता है. क्यों? क्योंकि ये टोटलिंग एरर ऑपरेशन का हिस्सा है. आज ये टोटलिंग एरर भले आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट लग रहा हो, बट ये क्यूमुलेट होते होते इतना ज़्यादा हो जाएगा
आपका जो इंटेंशन है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स वगैरह सारा अचीव हो, ये होगा ही नहीं। सो ऑपरेशन ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ प्रोसीजर। इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन E3 ऑफ ऑपरेशन। इट डज नॉट एंड विथ रिपोर्टिंग बट ऑल्सो इट गिव्स अप द स्टेप्स ऑफ रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू वेरीफाई द प्लान्स एंड द प्रोसीजर वेदर इट फिट्स इन टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ट्रेडिशनली टू द ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिटर लॉस ऑफ 1000 वॉज कॉज्ड बाय रॉन्ग टोटलिंग। बट यहाँ पे हो सकता है इट इज नॉट ओनली अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ना हो, प्रॉपर रिकॉर्डिंग और द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ना हो, उसके कारण देर इज ऑपरेशनल लैग। उस ऑपरेशनल लैग के कारण 1000 रुपये की चेंजेस है जिससे पोटेंशियल लॉसेस हो सकता है। सो दिस इज वेरी वेल देयर इन द स्कोप। सो द कंटेंशन ऑफ द करंट ऑडिटर इज नॉट करेक्ट। ये टिकट्स वाला क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्ड विच ऑडिट विल यू सजेस्ट, हम लोगों ने पढ़ लिया ये, ऑपरेशन ऑडिट विल बी सजेस्ट। नेक्स्ट, परफेक्ट स्टील लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ हायर टर्नओवर ऑफ ₹560 करोड़ इन द ईयर 2018-19 एज कंपेयर टू द अर्लियर ईयर। बोलता है कि सेल्स एकदम धुड़ुम करके बढ़ गए। ओके, ऑल्सो मतलब सेल्स तो बढ़ा ही बढ़ा है, बट सेल्स रिटर्न भी 4% से 10% बढ़ गया। द मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट हाई सेल्स रिटर्न, उनको ऐसा दिल में धक-धक हो रहा है एंड फील्स अ नीड टू गेट ऑपरेशन ऑडिट डन। उनको लगता है कि ऑपरेशन ऑडिट कर लेना चाहिए। द कंपनी इज ऑल्सो हैविंग एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम इन द कंपनी। इलेबरेट द पॉसिबल रीजन्स वाई द मैनेजमेंट इज गेटिंग द ऑपरेशन ऑडिट डन। वॉट इज पॉसिबल रीजन्स? यू रिमेंबर हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था द नीड ऑफ कंडक्टिंग ऑपरेशन ऑडिट। वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑपरेशन ठीक से ना हो पाना, पुराना जो तरीका था वहाँ पे इंटरनल ऑडिटर ही सब कुछ करता था। तो यहाँ पे नीड डिजायर वाई ऑपरेशन ऑडिट शुड बी कंडक्टेड ये आएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट, ये क्वेश्चन है। सो आंसर इज वाई ऑपरेशन ऑडिट। तो देखो हम लोगों ने यही सारा चीज़ बोला था कि द ऑपरेशन ऑडिट दे कैन फिल द वॉइड, ये सारा चीज़। देर आर सर्टन शॉर्ट कमिंग्स, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है पुराने तरीके में शॉर्ट कमिंग्स है, तो ऑपरेशन ऑडिट करवाएंगे। सी लुक एट दिस 7 पॉइंट्स का आंसर। So need why? Yeah, और यहाँ पे इसको important mark करवाया था हम लोगों ने concept को 7 points and then the differentiation between financial and operational audit। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑडिट की जो डिफरेंस है ना उसको पैराग्राफ में ना लिख करके एक टैब्यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आते हैं, राइटिंग 2.5 पेज विच इज देयर हियर इन मॉड्यूल। आप ये 2.5 पेज को लिखेंगे आपको 4-5 पेज चले जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मैम हाउ विल वी बी एबल टू कंप्लीट इतना बड़ा बड़ा आंसर? अरे डर लग रहा है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दैट 7 पॉइंट्स, उसमें ये 7 पॉइंट्स से लंबे लंबे दिए, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो लिखना है। फिर उन्होंने डिफरेंशिएशन पूछा तो डिफरेंशिएशन टैबुलर फॉन्ट में लिख देना। सो दैट इज हाउ यू कंप्लीट द अप्रोप्रिएट आंसर। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन एंड में अभी देखा, वो PQR केम अक्रॉस मेनी इंस्टेंसेस वेयर इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स एट अ लोअर कॉस्ट देन द एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्राइसेस। ये वही वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि
हम लोग वेंडर वेटिंग कर रहे हैं, वेंडर से नेगोशिएशन, प्राइस लिस्ट मंगा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, फिर ऑर्डर दे रहे हैं, बट फिर भी मैनेजमेंट को लग रहा है यार बहुत महंगा खरीदा आपने, तो इस एरिया में आप लोग कौन सा ऑडिट करवाएंगे? ऑलरेडी पॉलिसी इज देयर इन प्लेस, इम्प्लीमेंटेशन इज अ बैरियर, तो ऑपरेशनल ऑडिट आएगा। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट दे हैव एडिक्वेट पॉलिसीज विथ रिगार्डिंग टू कोटेशंस, वेंडर वेटिंग, एवरीथिंग, बट फिर भी हायर कॉस्ट हो रहा है, तो कौन सा ऑडिट करवाएंगे? ऑपरेशनल ऑडिट, सिंस इट इज नॉट द मैनेजमेंट डिसीजन क्रिएटिंग ऑपरेशनल बॉटल नेक परचेज पॉलिसी, दिस इज मिसिंग, हेंस ऑपरेशनल ऑडिट इज रेकमेंडेड। नेक्स्ट, एम्प्लॉई हॉस्टाइल, ये वो वाला पॉइंट है गाइस जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि हाउ विल यू डील विथ एम्प्लॉई हॉस्टैलिटी, सीआरपी जैसा आंसर लिखना है आपको। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जुलाई में पूछा हुआ। सी ए गुडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजमेंट ऑडिटर ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड, द प्रिंसिपल रीजन फॉर हर अपॉइंटमेंट इज दैट द करंट मैनेजेरियल डिसीशंस आर नॉट अप टू द मार्क, बोलता है कि अभी जो मैनेजमेंट जो डिसीशंस ले रहा है दे आर नॉट अप टू द मार्क, एस्पेशली इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी, द कंपनी इज मेकिंग इज गोइंग टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ इट्स वेंचर आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट ऑडिटर वॉज रिक्वायर्ड टू एन्श्योर दैट द सिस्टम्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स, वॉट एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड बाई सी ए गुडिया टू डिटरमाइन वेदर द सिस्टम्स एंड द प्रोसीजर्स आर इन प्लेस एंड दे आर मीटिंग द करंट रिक्वायरमेंट। बोलते हैं कि सी ए गुड़िया क्या कर रही थी, मैनेजमेंट ऑडिट कर रही थी। सी ए गुड़िया ने ऑर्गेनाइजेशन में द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को इवेल्युएट किया। अब आपको जानना है, सी ए गुड़िया को जानना है कि यहाँ पे जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, वेदर दे आर मीटिंग द करंट नीड, करंट चीज़ों के हिसाब से है या नहीं है। सो इज़ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू प्रमोट द अचीवमेंट्स ऑब्जेक्टिव, इट इज़ वेल विद इन द फ्रेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डज द सिस्टम और प्रोसीजर्स एडिक्वेटली प्रोवाइड द मेथड ऑफ कंट्रोल इन ऑर्डर टू ब्रिंग मैक्सिमम परफॉर्मेंस इन द लीस्ट पॉसिबल एक्सपेंडिचर, लीस्ट टाइम, रूटीन्स जो डेजिग्नेट किया है आर इन द लॉजिकल सीक्वेंस, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हैव ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन बीन एस्टैब्लिश्ड, हैज़ द नेसेसरी अथॉरिटी designated to carry out the responsibility, are there any scopes or are there any need to make changes for improvement, ये सारा चीज़ गुड़िया ensure करेगी so that she understands the systems and procedures are meeting the current requirement. Done? So यहाँ पे सारे के सारे questions of this very chapter ख़त्म होते हैं।